टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। देश में गेहूं के दाम गिरने के बाद अब सुधरने लगे हैं। केंद्र सरकार ने पिछले सप्ताह गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी थी, जिससे मंडियों में गेहूं की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई थी। कीमतें गिरने के बाद किसानों ने मंडियों में आवक घटा दी, जिससे गेहूं की कीमतों में सुधार देखा जा रहा है। कारोबारियों के मुताबिक आगे गेहूं की कीमतें ज्यादा घटने के आसार नहीं है, क्योंकि इसके दाम MSP के आसपास ही चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की हरदोई मंडी में पिछले सप्ताह शुक्रवार को गेहूं निर्यात पर रोक लगने के बाद इसके दाम 150 रुपए प्रति क्विंटल तक घट गए थे, लेकिन इस गिरावट के बाद गेहूं की कीमतों में पहले 70 से 80 रुपए की तेजी आई थी और इस तेजी के बाद दाम 20 से 30 रुपए गिर गए थे। आगे कीमतों में बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है। दाम 20 से 30 रुपए क्विंटल उतार चढ़ाव के साथ वर्तमान दायरे में बने रहने के आसार हैं। वहीं हरियाणा की कोसी मंडी में गेहूं की आवक 15 से 20 हजार बोरी की जगह घटकर 5 से 6 हजार बोरी रह गई। कोसी मंडी में गेहूं 2100 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है। निर्यात पर रोक से पहले भाव 2225 रुपए क्विंटल थे, रोक के बाद दाम घटकर 2050 रुपए क्विंटल तक चले गए थे। वहीं मध्य प्रदेश की गुना मंडी में गिरावट के बाद अब फिर से गेहूं के दाम बढ़ने लगे हैं, क्योंकि मंडियों में आवक कम हो रही है। आगे दाम गिरने की संभावना अब बहुत ही कम है, क्योंकि इस समय मंडी में गेहूं के दाम 2100 रुपए प्रति क्विंटल हैं, जबकि MSP 2000 रुपए प्रति क्विंटल। किसानों का मंडी तक गेहूं लाने व अन्य खर्चे को मिलाकर उन्हें दाम MSP के करीब ही मिलेंगे। वहीं ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन अशोक नगर के अध्यक्ष ने कहा कि गेहूं के दाम अब गिरने वाले नहीं है, भाव वर्तमान दायरे में बने रहने की उम्मीद है। दिल्ली की नजफगढ़ मंडी में आवक 2000 से 2500 बोरी से घटकर 400 से 500 बोरी रहने से गेहूं के दाम भी 50 से 60 रुपए बढ़ गए हैं। वहीं दिल्ली की नरेला मंडी में गेहूं निर्यात पर अचानक रोक लगने से बंदरगाहों पर गेहूं फंसने से कारोबारियों को नुकसान हो रहा है। सरकार को बंदरगाहों पर पहुंचे सभी गेहूं को निर्यात की अनुमति देनी चाहिए, चाहे उसके लिए लेटर ऑफ क्रेडिट जारी ही नहीं हुआ हो। ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।